हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सहारा। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थार। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया में। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सूडान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है? तो मोजेओ। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बोत्सवाना में। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो हम्मदा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल किस देश में? तो इसका आंसर होगा चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा रेगिस्तान से। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा यूरोप। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में? तो इसका आंसर होगा सूडान में। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना में। रूबल खाली क्या है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब का एक मरुस्थल। अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सहारा में। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको में। अब द्वीप से संबंधित देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है? तो आर्कटिक सागर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर किस सागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। डियांगो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। अगला, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्सु द्वीप। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सिकोकु। किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो जावा को। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप पर है? तो कच्चा तिवू द्वीप पर। जंजीबार पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तो तंजानिया के। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ द्वीप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस से। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस क्षेत्र में है, सॉरी किस देश में है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस से। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना दूसरा द्वीप कौन सा है? तो न्यूमूर द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? इसका आंसर होगा समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा एल्यूशियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 5:30। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 24। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82/1 डिग्री पूर्व से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा नैनी से, जो इलाहाबाद के निकट में है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो इसका आंसर होगा 5:30। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो इसका आंसर होगा 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर होगा 1 घंटा। ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर होगा 4 मिनट का। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 24। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो समय जोन 1 में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट जो है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो अगर हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप उससे पहले पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं इसी तरह जनरल नॉलेज की अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।